Hello, good evening everyone. Myself Aman and I am going to start with pharmacology. है ना, तो हम लोग फार्माकोलॉजी को बहुत बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो कि है क्लिनिकल, जो कि है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी. ठीक है, जैसे ही हर सब्जेक्ट के कोई ना कोई फादर होते हैं, वैसे ही फार्माकोलॉजी जो कि एक सब्जेक्ट है उसके फादर हैं ऑस्वाल्ड शमीडेबर्ग. सो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी. Is Oswald Schmidberg. ठीक है, और मेरे हिसाब से जो भी टर्म आता है मेडिकल में, जैसे कि अपना फार्माकोलॉजी हो गया या फॉरेंसिक मेडिसिन हो गया, अगर अपन उस टर्म को पर्टिकुलरली समझें तो हमको ये पता चलेगा कि उसके उसका मीनिंग क्या है. ठीक है, वैसे ही जैसे कि ये टर्म आप अपने सामने देख पा रहे हैं कि फार्माकोलॉजी. ठीक है, तो ये जो फार्माकोलॉजी टर्म है ये पर्टिकुलरली किसने दिया था? ग्रीक ने दिया था. और इसका मतलब क्या होता है, इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. ठीक है, पहला जो टर्म है वो आता है फार्मे कॉन. ठीक है, क्या? फार्मा कॉन. और दूसरा जो प्लस लोगस. ठीक है, तो अपन ने इसको पहले क्या किया, दो पार्ट में स्प्लिट किया, फार्माकॉन और लोगस. फार्माकॉन का मतलब क्या होता है? ड्रग. ठीक है, और लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी. ठीक है, तो फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम. ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग सिस्टम. ठीक है, तो फार्माकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फार्मेकॉन और लोगस. ठीक है, फार्मेकॉन का मतलब होता है ड्रग और लोगस का मतलब होता है स्टडी. सो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग सिस्टम. ठीक है, इसके बाद जो आपको एक और टर्म पता रहना चाहिए इसके साथ, तो फार्माकोलॉजी का मतलब आपको पता चल गया है अभी तक. अब इसके बाद जो आपको एक और टर्म इसके साथ पता रहना चाहिए वो क्या है? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. ठीक है, तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. ठीक है, फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम. तो उसके आगे क्या लग गया? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है? सिस्टमिक स्टडी. किस चीज की? सिस्टमिक स्टडी ऑफ ड्रग. ठीक है, पहली बात तो सिस्टमिक स्टडी किस चीज की? ड्रग की. किसके ऊपर? ठीक है, तो सिस्टमिक स्टडी ऑफ ड्रग ऑन लिविंग बींग्स. ठीक है, किनके किनके ऊपर? बोथ. बोथ में कौन कौन आएंगे? सबसे पहली बात तो हेल्दी इंडिविजुअल्स, किसी भी, ठीक है, हेल्दी इंडिविजुअल सबसे पहले, और दूसरे कौन? पेशेंट्स, जिनसे अपन को मेन अपन को ड्रग को एडमिनिस्टर करना है वो है पेशेंट्स.
ठीक है, तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है? सिस्टमिक स्टडी ऑफ ड्रग ऑन लिविंग बींग्स, बोथ हेल्दी इंडिविजुअल और पेशेंट। जब कभी भी जैसा अभी कोरोना के टाइम पे, जैसे आप लोग जानते हैं कि इतना टाइम लग रहा है किसी भी मेडिसिन को आने में, तो इस मेडिसिन में क्या क्यों टाइम लग रहा है? क्योंकि इनके कुछ ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, इनके एडवर्स इफेक्ट चेक किए जाते हैं, इनका डोजेज चेक किया जाता है कि कौन से रिसेप्टर पे ये पर्टिकुलरली वर्क करेंगे, ये चेक किया जाता है, इसीलिए इतना टाइम लगता है। और ये जो ट्रायल्स होते हैं मेनली चार फेजेस में होते हैं, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। और भी कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपको लगेगा कि यहाँ कवर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अपन उनको आगे पढ़ेंगे। ये ऐसा मैं लिंकअप करते हुए चलूंगा ताकि आपको सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज बना रहे, ठीक है। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है? सिस्टमिक स्टडी ऑफ ड्रग ऑन लिविंग बींग, बोथ हेल्दी इंडिविजुअल्स और पेशेंट। सबसे पहले इनको एनिमल्स पे कैरी आउट किया जाता है, उनके ऊपर इफेक्ट देखा जाता है। मेन कॉमनली, मोस्ट कॉमनली जो एनिमल्स रहते हैं वो होता है, एक तो अपना गिनी पिग होता है, ठीक है, इसके बाद या तो माउस होता है जिसके ऊपर चेक किया जाता है। लेकिन यहां क्या है, हेल्दी इंडिविजुअल्स के ऊपर कर रहे हैं और पेशेंट्स के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टमिक स्टडी ऑफ ड्रग ऑन लिविंग बींग्स, बोथ हेल्दी इंडिविजुअल्स और पेशेंट्स, ठीक है। फिर अगले जिस टर्म का आपको मतलब समझ में आना चाहिए फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए मेनली, वो है फार्मेसी, ठीक है। इससे मतलब तो नहीं है, लेकिन ये जो फार्मेसी टर्म है, फार्माकोलॉजी में उतना कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितने भी आपके प्रैक्टिकल्स होंगे जो आप लोग लैब्स में मतलब कैरी आउट करेंगे, वो इस ब्रांच के अंदर आपको कैरी आउट करना पड़ेगा। तो फार्मेसी का ऐसे तो कोई एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछते नहीं है, बट प्रैक्टिकल्स में थोड़ा बहुत इसकी डेफिनेशन आ सकती है। तो फार्मेसी, ठीक है, तो ये ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, अब इस डेफिनेशन को थोड़ा अपन निमोनिक्स के थ्रू चलते हैं ना, तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ PPCSDP, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ PPSCDP ऑफ ड्रग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? तो इसमें से जो पहला पी है, ठीक है, उसका मतलब है प्रिजर्वेशन। क्या? प्रिजर्वेशन। सेकंड क्या है? प्रिस्क्रिप्शन। सॉरी, ये अपना पी फॉर प्रिजर्वेशन, ठीक है, सेकंड पी फॉर प्रिपरेशन, ठीक है, फिर सी फॉर कंपाउंडिंग, डी फॉर डिस्पेंसिंग, और नेक्स्ट पी फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग, एंड दिस एस इज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ PPCSDP ऑफ ड्रग, दैट इज प्रिजर्वेशन, प्रिपरेशन, कंपाउंडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो इसको भी मेनली आपके प्रैक्टिकल्स में पूछा जाएगा। नेक्स्ट जिस टर्म से अपन को मतलब है, जैसे कि अपन ने देखा था कि जो फार्माकोलॉजी है, ठीक है, तो फार्माकॉन का मतलब क्या है? ड्रग, ठीक है। तो ये जो ड्रग वर्ड आया, ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो ये जो ड्रग है
इसके मतलब के बारे में अपन अब इसके इसका जो टर्म है इस टर्म है इस टर्म के मतलब के बारे में अपन जानेंगे। तो ये जो ड्रग टर्म है ये किन्होंने दिया था? फ्रेंच लोगों ने दिया था, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? अ ड्राई हर्ब, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अ ड्राई हर्ब। अब क्या होता है कि जितनी भी अपनी डेफिनेशंस हैं, जो कि आप मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज्यादा टफ डेफिनेशंस मेरे हिसाब से फॉरेंसिक मेडिसिन में रहती है, और या तो फार्माकोलॉजी में भी थोड़ी बहुत डेफिनेशंस है, या कोई भी सब्जेक्ट में ए टू जेड डेफिनेशंस है, तो आप उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इससे क्या होगा, एक तो याद करने में आसान रहेगा और उसके जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं आप उसको पकड़ लीजिए। तो मेरे हिसाब से जैसे जो ड्रग है, ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं लेकिन फ्रेंच वर्ड है, और ड्राई हर्ब जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, और ये जो टर्म है ये किसने दिया था? WHO ने इसका जो डेफिनेशन है वो दी थी, जिसके हिसाब से अ ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट। ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट, ठीक है, पहला पार्ट इतना हो गया, दैट इज सेकेंड पार्ट, दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज, ठीक है, एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज टू क्या, एक्सप्लोर और मॉडिफाई any substance or product that is intended to be used to explore or modify the, ठीक है, physiological state or pathological system, फिजियोलॉजिकल स्टेट और पैथोलॉजिकल सिस्टम, किनके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। और भी आप लोगों ने देखा होगा कि ड्रग की डेफिनेशन है, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है ये WHO की डेफिनेशन है, इसलिए क्योंकि जो पहले ड्रग की डेफिनेशंस को चाहिए थी उसमें क्या था कि अपन जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जैसे अपन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं, ठीक है, तो वो सब एक्सक्लूड हो जा रहा था, इसीलिए जो WHO ने ये जो डेफिनेशन दिया है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल इसीलिए है क्योंकि वो सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रही है, ठीक है। तो एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू एक्सप्लोर और मॉडिफाई द फिजियोलॉजिकल स्टेट, ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई करेंगे अपन, या तो एक्सप्लोर करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ ड्रग्स, ठीक है, या पैथोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। तो ये हो गया ड्रग। इसके बाद जो अपन को ड्रग से रिलेटेड, जैसे अभी अपन ने ड्रग की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, अब इसके बाद अपन को जो तीन डेफिनेशंस और पता रहनी चाहिए, या तीन टर्म्स और जो पता रहने चाहिए, वो सबसे पहला टर्म है प्रेस्क्रिप्शन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। सेकेंड जो है वो क्या है? नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। और थर्ड जो टर्म है वो है ऑर्फेन ड्रग। अभी अपन ने ड्रग के बारे में पता किया, तो एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड to explore or modify the physiological system, अच्छा वो physiological system होगा, physiological system और pathological state for the benefit of the recipient, ठीक है। उसके बाद जो अपन को तीन definitions पता रहनी चाहिए, वो एक तो prescription drug क्या होता है,
फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होता है और ऑर्फेन ड्रग क्या होता है। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वो होता है जो कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे डॉक्टर के पास गए, उसने आपको जो ड्रग प्रिस्क्राइब करके दी, आप वो लेके जाएंगे फार्मासिस्ट को दिखाएंगे तो वो आपको मेडिसिन देगा। लेकिन विदाउट द कंसल्ट ऑफ डॉक्टर या विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, अगर आपको जैसे आप जाएंगे और आप बोलेंगे कि मुझे एंटी साइकोटिक ड्रग चाहिए या एंटीबायोटिक ड्रग चाहिए, तो जो फार्मासिस्ट होगा वो आपको बोलेगा कि आप उसके लिए एक प्रिस्क्रिप्शन लेके आइए, उसके अलावा वो आपको नहीं देगा। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं, ठीक है, ये जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं, ये फॉर एन एग्जाम्पल इसमें अपन ले लेते हैं, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं एंटी साइकोटिक्स और एंटी बायोटिक्स, ठीक है। एंटी साइकोटिक और एंटीबायोटिक जो ड्रग है वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, विदाउट मेडिकल प्रैक्टिशनर के जो रिकमेंडेशन के ये आपको ड्रग्स नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, इनको अपन बोलते हैं OTC। OTC का मतलब क्या है? ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर ड्रग का मतलब क्या होता है कि ये वो ड्रग्स होती हैं, जैसे कि आप नॉर्मली जाते हैं अपने फार्मासिस्ट के पास या फार्मेसी पे आप जाएंगे, आप उनको बोलेंगे कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, आप मुझे एक एंटासिड दे दीजिए, या मुझे दर्द हो रहा है, मुझे आप एक पेन पैरासीटामोल दे दीजिए, आपकी मुझे कोई दर्द की दवा दे दीजिए, तो वो आपको खुद पैरासीटामोल निकाल के दे देगा। तो ये होती हैं ओवर द काउंटर ड्रग और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, यहाँ एक्स्ट्रा लिख लीजिए ना, सिर्फ यही वो नहीं है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो एक पर्टिकुलर डॉक्टर के रिकमेंडेशन के मिलती हैं, और भी ऐसी ड्रग्स होती हैं लेकिन उनको अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की बात करें तो ओवर द काउंटर ड्रग, तो इसका एग्जाम्पल हो गया क्या क्या, एक तो हो गया एंटासिड और दूसरा जो हो गया पैरासिटामोल, PCM। अब एक ये जो टर्म आ रहा है ऑर्फेन ड्रग, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्फेन ड्रग, तो ऑर्फेन पे ध्यान दीजिएगा, ड्रग का मतलब तो आपको पता है डेफिनेशन, ठीक है। तो ऑर्फेन ड्रग ये क्या होता है, ये ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं या अपना तो ये ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होती हैं या ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो कि डायग्नोसिस में हेल्प होती है, ट्रीटमेंट में हेल्प करता है और प्रिवेंशन में हेल्प करता है रेयर डिजीज से। फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना में अभी जो लोग एंटीबॉडी एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा कि US में एंटीबॉडी एडमिनिस्टर हो रही है, तो सेम चीज क्या होता है ऑर्फेन ड्रग क्या होती है कि ड्रग्स दैट आर यूज फॉर DTP, ठीक है, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज, ठीक है। तो ड्रग दैट आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रेयर, ठीक है, तो ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। अब इनको ऑर्फेन ड्रग क्यों कहा गया है, क्योंकि अब क्या रहता है कि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, अब यहां क्या है रेयर डिजीज, ठीक है, तो जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड ड्रग को प्रिपेयर करती हैं या इनकी मार्केटिंग करती हैं,
तो उसमें जो कॉस्ट लगा रहता है, मतलब कॉस्ट ऑफ इनपुट जो है वो कॉस्ट ऑफ आउटपुट के इक्विवेलेंट नहीं हो पाता है। मतलब कि जो अपन दवा को जो बेच के जो कॉस्ट है, ठीक है, और जो उसके बनाने और मार्केटिंग का कॉस्ट है, वो दोनों इक्वल नहीं है। तो इससे क्या होता है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको, फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं उनको लॉस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको जो इस ड्रग को बेचने के बाद जो कॉस्ट रिकवर्ड होता है वो मार्केटिंग और प्रोडक्शन के इक्विवेलेंट नहीं होता है। तो इसीलिए ऑर्फेन से मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स और गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, ठीक है, वो क्या करती हैं, और बाकी जगह भी देखा जाए ऑर्फेन ड्रग की बात करें तो जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, इनको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करती है किनको? फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, ताकि वो इसका प्रोडक्शन जारी रखें, ठीक है, इनका प्रोडक्शन बंद ना करें। क्यों? क्योंकि ये रेयर डिजीजेस को ट्रीट करने में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। तो टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, ताकि ये इनका प्रोडक्शन जारी रखे और मार्केटिंग इनकी जारी रखें, ठीक है, मार्केटिंग इनकी जारी रखें। अब अगर इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें अपन, तो इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएगा डिजॉक्सिन एंटीबॉडी। क्या? डिजॉक्सिन एंटीबॉडी, जो कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में यूज होती है, ठीक है, डिजॉक्सिन एंटीबॉडी जो कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में यूज होती है। और नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है वो फोमेपिजोल है, फोमे। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है वो है फोमी पेजोल, जो कि किसमें यूज होता है, मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग में, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग में। तो एक बार पूरे इस ऑर्फेन ड्रग के टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज, ठीक है। अब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो अपने कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाती हैं, इसीलिए ऑर्फेन मतलब जो गवर्नमेंट रहती है वो इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को गोद लेती है। गोद लेती है, कैसे गोद लेती है, उनको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करती है। किस फॉर्म में? टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करेगी उनको, ताकि ये उसका प्रोडक्शन और मार्केटिंग जारी रखें। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एक तो डिजॉक्सिन एंटीबॉडी जो कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में यूज होती है, और एक फोमेपिजॉल है जो कि मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग में यूज होती है, ठीक है। तो ये एक टर्म हो गया। अब क्या होता है कि जो फार्माकोलॉजी है, आपने देखा होगा जैसे ब्रांचेस होती हैं, जैसे बायोलॉजी में ब्रांचेस होती है, एक एनिमल में आप मतलब बॉटनी पढ़ते हो प्लांट की, और जूलॉजी पढ़ते हो एनिमल के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री की ब्रांच होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, वैसे ही फार्माकोलॉजी की जो दो मेन ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, टू मेन ब्रांचेस, जो दो मेन ब्रांचेज होती है, ठीक है, तो वो होती है एक तो फार्मेको डायनामिक्स। कौन सी? फार्मेको डायनामिक्स। और जो सेकंड ब्रांच होती है वो कौन सी होती है? फार्मेको काइनेटिक्स, ठीक है। तो फार्मेको, फार्मेको का मतलब आपको पता है क्या? ड्रग, ठीक है, इसमें भी आपको फार्मेको का मतलब पता है। अब डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? डायनामिक्स का मतलब होता है पावर। क्या? डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? पावर होता है। सो डी फॉर डायनामिक्स, ठीक है, और डी फॉर ड्रग डज टू दी बॉडी, इसकी आगे क्या लगा लीजिए? व्हाट लगा लीजिए, ठीक
ठीक है, क्योंकि पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। तो फार्मेको डायनेमिक्स, फार्मेको का मतलब आपको पता है ड्रग, डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, पावर होता है। डी फॉर ड्रग, सो वॉट ड्रग डज टू द बॉडी, अपनी जो ड्रग्स होती हैं जो अपन मतलब लेते हैं वो बॉडी के साथ क्या करती हैं, ये अपन फार्मेकोडायनेमिक्स जो इसकी एक ब्रांच है उसमें उसके अंदर में इसको पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट चीज है फार्मेकोकाइनेटिक्स, काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, मूवमेंट, काइनेटिक्स मतलब काइनेसिस, ठीक है, काइनेसिस, ठीक है, काइनेसिस मतलब मूवमेंट, काइनेसिस मतलब मूवमेंट, फार्मेको का मतलब आपको पता है ड्रग, काइनेटिक्स मतलब काइनेसिस, काइनेसिस मतलब मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या अपन पढ़ते हैं, व्हाट, यहां अपन ने डी फॉर डायनेमिक, डी फॉर ड्रग, ठीक है, ड्रग डस टू द बॉडी पढ़ा, ड्रग डस टू द बॉडी, तो ऐसा निमोनिक बना सकते हैं डी फॉर डायनेमिक, डी फॉर ड्रग डस टू द बॉडी, फार्मेकोडायनेमिक्स। और अब डी हो गया है कि ड्रग क्या कर रही है, तो नेक्स्ट क्या होगा, बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, सो व्हाट बॉडी डस टू दी ड्रग, व्हाट बॉडी डस टू दी ड्रग, वी स्टडी इन फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स में मेनली क्या आता है, अपन देखते हैं कि बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल, बॉडी के अंदर अपन देखेंगे कि बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस और बायोकेमिकल चेंजेस, क्या क्या, फिजियोलॉजिकल चेंजेस और बायोकेमिकल चेंजेस, ठीक है। अब देखिए फार्माकोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स मतलब पावर, डी फॉर व्हाट ड्रग डस टू द बॉडी, ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है, तो बॉडी के फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजी के में वो चेंज लेके आएगी और बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं बॉडी में उनके अंदर चेंज करेगी। तो फिजियोलॉजिकल चेंज में मेनली अगर अपन देखा जाए तो पढ़ते हैं कि रिसेप्टर के साथ ड्रग कैसे बाइंड करती है, ठीक है, और बायोलॉजिकल चेंजेस की अपन बात करें, ये एक एग्जाम्पल है कि मतलब रिसेप्टर के साथ कैसे बाइंड करेगी, कौन से रिसेप्टर से बाइंड करती है, कितने टाइप के रिसेप्टर होते हैं, और बायोलॉजिकल चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस की बात करें तो अपन ये बताएंगे उसमें, या ये पढ़ेंगे अपन उसमें कि जैसे अपन ने ड्रग लिया, उसने एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पे फंक्शन किया, तो उसके बाद इसकी वजह से क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोजेनेसिस होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। तो बायोकेमिकल चेंज का मतलब क्या है कि ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है, या ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। और फार्माकोकाइनेटिक, काइनेटिक मतलब काइनेसिस, काइनेसिस क्या, मूवमेंट, व्हाट बॉडी डस टू द ड्रग, ठीक है, ये अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो अपन इसको फॉलोइंग हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे, ए डी एम ई, ए डी एम ई से मतलब क्या है, एक तो ए फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, और ई फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में मूवमेंट, ठीक है, काइनेसिस मतलब मूवमेंट, व्हाट बॉडी डस टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, उसको बॉडी क्या करेगी, सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी जिस टिश्यू को रिक्वायरमेंट है, जहां चोट लगी है, यहां या जहां पेन हो रहा है पर्टिकुलरली, जिस भी टिश्यू को रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वहां डिस्ट्रीब्यूट करेगी। फिर उस ड्रग का क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी ड्रग को एक्सक्रीट होना है, ठीक है, तो जो बॉडी होती है वो उसको आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, आयंस के फॉर्म में मतलब उसको वाटर सॉल्यूबल बनाएगी और उसको एक्सक्रीट करेगी। तो ये वाटर सॉल्यूबल क्या होता है, लिपिड सॉल्यूबल क्या होता है, आयंस के फॉर्म में आयोनाइज्ड ड्रग अच्छी रहती है या नॉन आयोनाइज्ड ड्रग अच्छी होती है, ये अपन अपने आने वाले चैप्टर्स में इन हेडिंग्स में पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन के अंदर पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के अंदर पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म में भी कौन सा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है,
ठीक है, या एक्सक्रीशन कहाँ से एक्सक्रीट हो रहा है, फीसेज में एक्सक्रीट हो रहा है या यूरिन में एक्सक्रीट हो रही है कोई पर्टिकुलर ड्रग, या कौन सी ड्रग है जो कि बाइल में एक्सक्रीट होती है, तो ये अपन फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ेंगे। फार्माकोडाइनेमिक्स में अपन टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स पढ़ेंगे कि कौन सी ड्रग जो रहती है पर्टिकुलर कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करेगी, क्या कराएगी, कौन सा चीज करा रही हो, ग्लाइकोलाइसिस करा रही है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रही है। तो फार्माकोलॉजी की जो दो मेन ब्रांचेस है, एक बार और अपन रिवाइज करते हैं, एक होता है फार्माकोडाइनेमिक्स, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माको का मतलब, फार्माकोन का मतलब आपको पता है ड्रग, यहाँ डी फॉर मैंने बताया निमोनिक, जो डी फॉर ड्रग डस्ट टू द बॉडी। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, पावर, ठीक है। तो बोथ फिजियोलॉजिकल, ठीक है, बॉडी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात, फिजियोलॉजिकल जो भी चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर, या बायोकेमिकल जो भी चेंजेस आ रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे फार्माकोडाइनेमिक्स के अंदर। और फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, काइनेसिस। काइनेसिस मतलब मूवमेंट। तो व्हाट बॉडी डस टू द ड्रग, बॉडी क्या कर रही है ड्रग के साथ, तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मेटाबोलाइज कर रही है, एक्सक्रीट कर दे रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अपन फार्माकोलॉजी की इन दो ब्रांचेस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे जिन तीन चीजों का इंपॉर्टेंस अपन को पता रहना चाहिए, तो अपन अभी जैसे ड्रग की डेफिनेशन को कंटिन्यू कर रहे थे कि ड्रग हो गया, तो फिर प्रिस्क्राइब्ड ड्रग कौन कौन सी होती हैं, नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग कौन सी होती हैं, ऑर्फेन ड्रग होती हैं, ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको बीच में इंक्लूड किया। अब और भी जो अपन को चीजें पता रहनी चाहिए वो ये पता रहना चाहिए कि सोर्सेस ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, ठीक है, सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, कहां से पता चल रहा है, कहां से ड्रग की इंफॉर्मेशन पता चल रही है, कहां से ये पता चल रहा है कि कितना इतना ही डोज यूज करना है, या इस अगर अपन ये वाली ड्रग इस कंडीशन में दे देंगे, एसोसिएटेड कंडीशन में दे देंगे, तो इससे रिलेटेड पर्टिकुलरली टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इससे पहले एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा है अपना, जो कि आपकी बुक्स में मेंशनड नहीं है लेकिन आपको ये चीज पता रहनी चाहिए, वो है आर बी रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। तो ये होता है रिस्क बाय बेनिफिट रेशियो। रिस्क बाय बेनिफिट रेशियो को पढ़ने की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि ऐसी भी कुछ ड्रग्स होती हैं जिनकी वजह से कुछ एसोसिएटेड इतने गंदे सिम्टम्स आ सकते हैं आपको, कि अपन को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी उस पर्टिकुलर पेशेंट की जान बचाना जरूरी है या इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट को काउंटरैक्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो आर बाय बी रेशियो के अंदर अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज का, किसका, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होती है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग होती है, क्या होती है, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग होती है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। अब आप इमरजेंसी में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके पास क्या हुआ, एक पेशेंट आया अचानक से कि उसको भाई मायोकार्डियल इंफेक्शन है, और अब आप क्या कर रहे हैं, आपको उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। तो आपने उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज एडमिनिस्टर कर दिया, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कभी कभार कि ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, ठीक है। तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है तो जो सेरेब्रल आर्टरीज रहती हैं अपनी, सॉरी, जो अपनी कोरोनरी आर्टरी रहती है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी, ये क्या करती है, इसमें जो क्लॉट बन जाता है उसको ब्रेक डाउन कर देगी, क्या करेगी, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो रहती है ये थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग है, ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरी में जो क्लॉट बन जाएगा
है ना, पेशेंट किस वजह से आया आपके पास, पेशेंट कौन सी कंप्लेन से आया है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से आया है। पेशेंट कौन सी कंप्लेन की वजह से आया है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से आया है। और जिसको भी ये पता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन बहुत इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग है अपन सबसे पहले इसको ये दे देंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये जो ये थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग है तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो थ्रोम्बस होता है, नॉर्मल को मैं इससे लिखूंगा हर जगह, ठीक है, तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो थ्रोम्बस रहता है, जो कि कहां प्रेजेंट रहता है, अपने ब्रेन में, ठीक है, तो ये क्या करता है, उसको भी तोड़ देता है इसके साथ साथ, ठीक है, तो उसको तोड़ देगा तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, सेरेब्रल हीमोरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेरेब्रल हीमोरेज हो जाएगा, इसकी वजह से सेरेब्रल हीमोरेज हो जाएगा, जो कि और ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। लेकिन पेशेंट आया है इमरजेंसी की कंडीशन से, ठीक है, और इमरजेंसी की कंडीशन में, और उसको आपको ये देना ही पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड है, तो सबसे उसको अगर आप ये नहीं दोगे तो उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा हो जाएगा, रिस्क ज्यादा हो जाएगा तो भाई वो तो पहले ही, ठीक है, इसीलिए अपन को नॉर्मल इस बारे में, ये जो इसका रिस्क है, ठीक है, रिस्क के बारे में बाद में सोचते हुए, उसके बेनिफिट के बारे में पहले सोचते हुए इस स्ट्रेप्टोकाइनेज ड्रग को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और यहाँ क्या हो रहा है सीन, यहाँ बी इज ग्रेटर देन आर, मतलब बेनिफिट जो है वो रिस्क से ज्यादा है, तो अपन स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्या करेंगे, एडमिनिस्टर कर देंगे विदाउट इसके बारे में सोचे हुए। क्यों, क्योंकि पेशेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन से आया है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो स्ट्रेप्टोकाइनेस को एक नेक्स्ट अलग अलग एग्जांपल, एक अलग और एक और क्राइटेरिया में मैं बताता हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेस, अब क्या होता है, यही जो स्ट्रेप्टोकाइनेस रहती है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, किसमें, पी वी डी में, पीवीडी फॉर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में, ठीक है, तो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्यों, क्योंकि यहां क्या है, रिस्क ज्यादा है और बेनिफिट क्या है, कम है। कोई नॉर्मल इंडिविजुअल आया आपके पास, ठीक है, आपने उसको ये दे दिया स्ट्रेप्टोकाइनेज, अब वो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है उसको एसोसिएटेड, तो ये तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। लेकिन कोई नॉर्मल इंडिविजुअल आया, आपने उसको उसको आपको थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट कोई देना, आपने स्ट्रेप्टोकाइनेज दे दिया, तो उसको सेरेब्रल हीमरेज हो गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपको रिस्क ज्यादा है उस पर्टिकुलर चीज से, बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा अपन काम नहीं करेंगे। तो किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने से पहले अपन को इस आर बाय बी रेशियो का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपन ने इस कंडीशन में रखा, और इसीलिए कोई पर्टिकुलर ड्रग किसी कंडीशन में अच्छी रहती है, बेनिफिट करती है, और किसी कंडीशन में वो बेनिफिट नहीं करती है, तो ये अपन को ध्यान रखना है, ये जो पर्टिकुलर टर्म है आर बाय बी रेशियो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो मैंने जैसा बताया था कि sources of drug information, ठीक है, sources of drug information, कहां से पता चलता है कि कौन सी ड्रग कौन सी है, या ये वाली ड्रग ऐसी होगी, या ये वाली ड्रग की फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ये हैं, या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ये हैं, या अपन ये पर्टिकुलर टेस्ट लगाएंगे तो अपन को ये पता चल जाएगा कि ये जो ड्रग है ये एल्कलॉइड है या ग्लाइकोसाइड है, नेचुरल है या सेमी सिंथेटिक है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, ये इसके लिए दो चीज आती है ना, इसमें अपन को इसके अंडर में अपन को दो हेडिंग्स पढ़नी पड़ेंगी। एक तो सबसे पहले पढ़ना पड़ता है फार्मेको पिया, ठीक है, फार्मेको फार्माकोपिया
फार्माकोपिया, तो फार्माकोपिया ठीक है। अब ड्रग के बारे में पता करना है तो उसके पिया के पास जाना पड़ेगा, तो पिया के पास जाना पड़ेगा तो फार्माकोपिया ठीक है। तो फार्माकोन का मतलब तो आपको आपको पता ही है, पिया मतलब उस पर्टिकुलर, ये जो है ये क्या हो गया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करती है अपन को, बुक्स प्रोवाइड करती हैं ठीक है। तो ये जो बुक रहती है इसके अंदर क्या रहता है, ड्रग की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, और क्या रहता है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा ड्रग का, पर्टिकुलरली केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या रहेगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, और वो टेस्ट रहेंगे, टेस्ट दैट हेल्प्स ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे ठीक है। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे और टेस्ट रहेंगे जो कि अपन को ये बताएंगे कि ड्रग के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे, किसमें हेल्प करेंगे, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेंगे ड्रग के ठीक है, उसकी प्यूरिटी के बारे में बताएंगे ठीक है। तो ड्रग की प्यूरिटी के बारे में बताएंगे, आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताएंगे, या तो ये बताएंगे कि उस ड्रग को स्टोर कैसे किया जाए, तो उसका मेथड ऑफ स्टोरेज बताएंगे ठीक है, मेथड ऑफ स्टोरेज ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन में सबसे पहली चीज आएगी उसके पिया के बारे में पता करना पड़ेगा, तो फार्माकोपिया तो क्या है, बुक ठीक है, बुक दैट टेल्स अबाउट फिजिकल केमिकल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेस्ट दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई प्यूरिफाई एंड मेथड्स ऑफ स्टोरेज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग ठीक है। अब हर इसमें क्या रहता है, फार्माकोपिया में डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट ड्रग्स, मतलब डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट फार्माको, मतलब डिफरेंट फार्माकोपिया रहती है ठीक है। तो आईपी ठीक है, तो आईपी का मतलब क्या है, इंडियन इंडियन फार्माकोपिया ठीक है। सेम क्या है, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया ठीक है। और एक और क्या है, एक्स्ट्रा पी मतलब क्या है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में क्या आता है, मार्टिन डेल ठीक है, मार्टिन डेल ये क्या है, एक रॉयल सोसाइटी है, किसकी, रॉयल सोसाइटी है ठीक है, क्या है, रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ठीक है, रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जिसको अपन मार्टिन डेल भी कहते हैं, ये पब्लिश कौन करता है, रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हर 2 से 3 साल के अंदर में इसको वापस से पब्लिश करती है, इसके अंदर चेंजेस करती है या एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में बताएगी ठीक है। तो ये तो एक चीज हो गई फार्माकोपिया ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज आती है इसी में सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन में, ये आता है अपना फॉर्म्यूलरी, फॉर्म्यूलरी ठीक है। एक तो ये फार्माकोपिया हो गया, अब बात करेंगे फॉर्म्यूलरी। तो फॉर्म्यूलरी से क्या समझ में आ रहा है, फॉर्मूला समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो क्या होगा इसमें, फॉर्म्यूलरी ठीक है। तो बुक दैट कंटेन इंफॉर्मेशन, इन्फो लिख दे रहा हूं ना मैं, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल अवेलेबल अवेलेबल ड्रग्स ठीक है।
book that compound book that contain information about all the available drugs. तो information किन किन चीजों की रखेगी book? ये main जानने वाली चीज है, ठीक है? किन किन चीजों की रखेगी? एक तो use, uses क्या है, एक पर्टिकुलर ड्रग का यूज क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है उसकी, उसके जैसे आपने देखा होगा कि आप जो पीछे जैसे आप पलटेंगे, जैसे किसी भी आप मेडिसिन को लेने जाते हैं तो उसके पीछे उसका वार्निंग लिखा रहता है, पर्टिकुलर आजकल तो रेड कलर में लिखा रहता है, तो वार्निंग लिखा रहता है, ठीक है? तो अबाउट यूजेज, ठीक है, डोज, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ठीक है, CI मैं पूरा लिख दे रहा हूं इसको, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बाद वार्निंग, ठीक है, डोज क्या क्या हो गया, यूजेज हो गया, डोज हो गया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया, अपना वार्निंग हो गई, ठीक है, इसके बाद एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, क्या क्या हो गया, अपना यूजेज हो गया, उसके बाद अपने एक्शंस हो गए, एक्शन नहीं लिखा गया, ठीक है, एक्शन, ठीक है, एक्शंस, यूजेज, एक्शन, डोज, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, वार्निंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस, फॉर यूजिंग ड्रग इन पर्टिकुलर कंडीशन. तो ये सारी चीजें क्या रहती हैं, फॉर्मुलरी में रहती है. बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल ऑल द अवेलेबल ड्रग, जिसमें कि यूजेज, डोज, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रहता है उसमें, उसकी वार्निंग रहेगी कि किन कंडीशंस में इसको यूज नहीं करना है, एडवर्स इफेक्ट रहेंगे, एक्शन रहेगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि किस प्रोसेस के थ्रू ये एक्ट कर रही है, ठीक है, और गाइडेंस रहेगा कि मतलब कौन सी कंडीशन में, मतलब कोई पर्टिकुलर कंडीशन में अगर अपन इसको पांच, जैसे मान लीजिए पांच मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये एंटी एनाल्जेसिक का काम करेगी, ठीक है, उसके बाद अगर अपन उसको और हाई डोज में लेते हैं तो ये एंटी साइकोटिक का काम करेगी, और हाई डोज में लेते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये हो गया, ये सारी कंडीशन हो गई, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट और स्टेरलाइजेशन, हाँ, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट हो गए, जैसे कि हाई डोज में अगर नॉर्मल डोज में जैसे अपना डेटॉल जो रहता है वो अपना एंटीसेप्टिक रहता है, लेकिन अगर उसको हाई डोज में यूज करते हैं तो डिसइंफेक्शन का काम करता है, वो पर्टिकुलर प्लेस पे अपना एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं छोड़ेगा, उसको किल कर देता है सबको. तो फॉर्मुलरी हो गया, बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द अवेलेबल ड्रग, यूज, डोज, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, वार्निंग, एडवर्स इफेक्ट, एक्शंस और गाइडेंस फॉर यूजिंग ड्रग इन पर्टिकुलर कंडीशन. ठीक है, तो अपन ने सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन में क्या क्या पढ़ा, एक तो, एक सेकेंड, सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन में अपन ने सबसे पहले एक तो पढ़ा फार्माकोपिया, ठीक है, और ये जो नेक्स्ट चीज पढ़ी अपन ने, ये पढ़ी अपन ने फॉर्म्यूलरी. नेक्स्ट जो चीज अपन पढ़ेंगे सोर्स ऑफ ड्रग, ठीक है, सोर्स ऑफ ड्रग, ठीक है, तो सोर्स ऑफ ड्रग की बात करें अगर, तो इसमें तीन टाइप के सोर्सेज होते हैं मेनली ड्रग के, ठीक है, तो इसमें एक तो रहता है नेचुरल, ठीक है, इसके बाद रहता है सेमी सिंथेटिक, और दूसरा और तीसरा जो रहता है वो क्या रहता है, सिंथेटिक, ठीक है, तो ये तीन सोर्सेज रहते हैं जो कि जहां से अपन ड्रग्स को ऑप्टेन कर सकते हैं. नेचुरल में भी फर्दर अगर डिवीजन बताएं तो क्या क्या आता है, प्लांट्स आ जाता है, ठीक है, प्लांट्स, प्लांट्स के बाद क्या आ गया, एनिमल्स, एनिमल नेचुरल सोर्सेस के थ्रू मिल सकता है, या
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और या तो मिनरल्स। ठीक है, तो ये चार सोर्सेज हैं जहां से अपन को नेचुरल सोर्सेज के थ्रू ड्रग्स ऑप्टेन कर सकते हैं। प्लांट्स में भी अगर बात करूं तो दो एग्जांपल आप ले लीजिए, एक तो एल्कोलाइड ले लीजिए और एक ग्लाइकोसाइड ले लीजिए। ठीक है, एल्केलॉइड्स, और नेक्स्ट क्या होता है, ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, अब एल्कलॉइड्स की बात करें, ठीक है, तो मेनली एल्कलॉइड्स में कौन कौन सी आ जाएंगी, मॉर्फिन। ठीक है, एल्कलॉइड्स में कौन सी आ जाएगी, अपनी मॉर्फिन आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगा ग्लाइकोसाइड की, तो पहली बात तो नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज में क्या क्या आ गया, प्लांट आ गया, एनिमल आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, मिनरल आ गए। प्लांट में कौन कौन से आ गए अपने, एक एल्कलॉइड आ गया, एक और एक ग्लाइकोसाइड आ गया। एल्कलॉइड के अंदर अपना कौन सा आ गया, मॉर्फिन आ गया, और ग्लाइकोसाइड में कौन सा आ जाएगा अपना, डिजॉक्सिन। ठीक है, और डीजी टॉक्सिन। ठीक है, अब बात करेंगे एनिमल सोर्सेस की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन एनिमल सोर्सेज की, तो एनिमल सोर्सेज में एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे अपने, इंसुलिन। ठीक है, और नेक्स्ट जो आगे अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पेनिसिलिन आ जाएगा। ठीक है, और ग्रीसोफल्विन आ जाएगा, ग्रीसोफल्विन आ जाएगा। और मिनरल्स की बात करें तो जो एंट एसिड्स में यूज होता है मेनली मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो ये सारे हो गए नेचुरल सोर्सेज जिनके थ्रू अपन को ड्रग मिल सकती है। प्लांट सोर्सेज हो गया, ठीक है, जिसमें कि एल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड आता है। एल्कलॉइड में मेनली अपना एग्जाम्पल हो गया मॉर्फिन, ग्लाइकोसाइड में अपना जो एग्जाम्पल हो गया वो क्या हो गया, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। ठीक है, और एनिमल सोर्सेज के अंदर जो एग्जाम्पल हो गया वो हो गया इंसुलिन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एग्जाम्पल हो गया वो क्या हो गया, पेनिसिलिन और ग्रीसोफल्विन। और मिनरल के अंदर जो एग्जाम्पल हो गया वो अपना एंट एसिड हो गया काइंड ऑफ, तो उसको क्या कहेंगे, MgSO4 कहेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे सेमी सिंथेटिक की। तो ये जो नेचुरल थी ये तो नेचुरल प्रोडक्ट से मिल रही थी, ठीक है, लेकिन जो सेमी सिंथेटिक रहती हैं उसमें क्या रहता है कि ये ऑप्टेन तो नेचुरली रहता है। ठीक है, सेमी सिंथेटिक जो ड्रग्स रहती हैं वो ऑप्टेन्ड तो नेचुरली रहती हैं, लेकिन इनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। ठीक है, ऑप्टेन तो नेचुरली हुई लेकिन इनको प्रोड्यूस कैसे गया, सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया गया। तो जैसे कि अपना मॉर्फिन था, कोडीन था एल्कोलॉइड। ठीक है, तो अगर हाइड्रोकोडॉन, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, हाइड्रोकोडॉन। ठीक है, तो इसमें जो कोडॉन पार्ट है वो नेचुरली है और ये सिंथेटिकली प्रोड्यूस हुई, तो हाइड्रोकोडॉन। ठीक है, तो सेमी सिंथेटिक, ऑब्टेंड नेचुरली, मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली। और अब बात करेंगे सिंथेटिक ड्रग की, तो आज के टाइम पे जितनी भी मोस्ट कॉमनली सिंथेटिक की बात करेंगे। ठीक है, तो सिंथेटिक क्या होता है, मोस्ट कॉमनली आजकल जो यूज्ड होती हैं वो सारी ड्रग्स कैसी रहती हैं, सिंथेटिक रहती हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हो गए पैरासिटामोल, PCM। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल हो गया वो इसका क्या हो गया, एस्पिरिन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो गया इसका, एस्पिरिन हो गया। तो सोर्सेज ऑफ ड्रग में अपन ने क्या क्या पढ़ा, एक तो नेचुरल सोर्स पढ़ा, ठीक है, फिर सेमी सिंथेटिक पढ़ा और सिंथेटिक पढ़ा। नेचुरल में अपन ने क्या क्या पढ़ा, उसमें अपन ने पढ़ा कि प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, मिनरल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्सेज। सेमी सिंथेटिक अपन ने पढ़ा, उसके एग्जाम्पल देखे, और नेक्स्ट जो अपन ने ये सिंथेटिक पढ़ा उसके एग्जाम्पल देखे। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो ड्रग्स होती हैं,
वो आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई जाती है। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आप लोगों ने अपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू ड्रग्स बनाई जाती हैं आजकल। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू जो ड्रग्स बनाई जाती हैं उसका एग्जांपल क्या है, एक तो इंसुलिन है, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल क्या है, हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो भी इसी के थ्रू बनी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सोर्सेज ऑफ ड्रग, ठीक है। ये चौथा एक मतलब एक मेथड है जिससे मतलब ड्रग बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर बात करेंगे तो अब बात करेंगे अपन आने वाले टॉपिक्स में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो अपन उसको कवर करेंगे। और आने वाले लेक्चर्स में मैं निमोनिक्स भी यूज़ करूंगा, लेकिन अभी ये बेसिक टॉपिक है, इसमें आपको डेफिनेशंस याद करनी है। तो मैंने जितनी भी डेफिनेशंस थी, जैसे कि मुझे भी मैंने जब पढ़ी थी हार्ड लगती थी, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके या आपको फ्लो चार्ट बना के अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। अगर इसके बाद भी अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक छूट रहा है या कुछ गलत है, तो आप मेरे को इसके बारे में मैसेज करके नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।